भांडे से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि जब तक हम बाबा साहेब भीमराव के मिशन को पूरा नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। बाबा भीमराव अंबेडकर ही एक सत्य हैं। भांडे सीट से विधायक फूल सिंह बरैया ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के जो अधूरे काम हैं वो उनको पूरा करेंगे। जब तक बाबा भीमराव अंबेडकर की मिशन को पूरा नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। बाबा भीमराव अंबेडकर ही एक सत्य है, ये 200 से अधिक देशों ने स्वीकार किया है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही एक आदमी, एक मिशन और एक वोट की बात कही थी। फूल सिंह बरैया ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा की हार की चर्चा ज्यादा हो रही है, हम तो यही कहेंगे कि उनकी हार की चर्चा ऐसे ही होती रहे। कि बाबा साहेब अम्बेडकर के जो अधूरे काम है, जो उनका अधूरा मिशन है, जब तक मिशन को हम पूरा नहीं कर देते हैं तब तक हम चैन का जीवन नहीं जिएंगे, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए आज हम लोगों ने पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि बाबा साहेब अम्बेडकर को दी है। और बाबा साहेब अम्बेडकर की ही एक सत्य है यार, क्या कर रहा है यार भाई यार। पूरे धरती पर 200 देशों में ये स्वीकार किया है कि अगर कोई बुद्धिमान विद्वान पर्सनैलिटी भारत में पैदा हुई है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। उन्होंने ही सिर्फ एक बात कही है पूरी धरती पर कि एक आदमी एक कीमत एक वोट होना चाहिए, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। वन वैल्यू की बात जो कही है, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सभी बराबर हों, ये बात सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने कही है। और बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को पूरा दुनिया स्वीकार कर रहा है। दुख की बात यह है भारत की कुछ तथाकथित सरकारें उसको स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है बराबरी का, जब तक इसको पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। यही मैं बात करने के लिए आया हूँ, श्रद्धांजलि मैंने अर्पित की है, सभी को धन्यवाद। उनकी हार पे चर्चा ज़्यादा हो रही है, उनको ये मुबारक है। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी हार पर ही चर्चा हमेशा होती रहे, मैं तो यही सोचता हूँ। ईवीएम, दरअसल ईवीएम में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बैलेट पेपर में 230 सीटों में से 199 यानी 199 कांग्रेस जीती है और 231 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती है बैलेट पेपर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहीं ईवीएम बेईमान है, ईवीएम को हमें कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। जो कांग्रेस जैसी पार्टी, उस पार्टी के हाथ में से सत्ता छीन रहा हो कोई, वो इतना इतना नादान नहीं हो सकता, इतना सीधा सीधा नहीं हो सकता। वो भी ये जानता है कि हम लोग ये काम करने के बाद भी साहूकार बने रहें, तो वो साहूकार बने रहने के लिए वो भी ऐसे प्रबंध करता है कि कहीं पर हमें छोड़ देना है, कहीं पर हमें लूट लेना है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।